हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। आप जानते हो कि ये वाटर मार्बल नेल आर्ट है, तो इस डिज़ाइन के लिए मैं किन चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक प्लास्टिक का कप है, उसके साथ मैंने इस टाइप की कुछ स्टिक्स रखी है और साथ में दो नेल पॉलिश की बोतल है। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ इन्हीं दो शेड का यूज़ करके ये डिज़ाइन बनाऊंगी। जब मैं ये वाइट शेड अपने नेल्स पर अप्लाई कर रही थी तब मैं वीडियो को ऑन करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आपको वो पार्ट नहीं दिखा रही। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक वाइट कप में पानी लिया है, वो पानी मैंने नॉर्मल रखा है। ज़्यादा ठंडा नहीं लेना और ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना, ये एकदम नॉर्मल होना चाहिए, तो ही नेल पॉलिश अच्छे से स्प्रेड हो पाएगी। और आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फिल्टर किया हुआ वाटर यूज़ करें यहाँ पर। अगर आप फिल्टर किया हुआ वाटर यूज़ नहीं कर रहे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप फिल्टर किया हुआ पानी ही यूज़ करें। आप देख सकते हैं नेल पॉलिश अच्छे से स्प्रेड हो रही है। अगर स्प्रेड ना हो तो आपको जो है इस तरह से कप को हिला देना है। यहाँ पर कुछ नेल पॉलिश जो है स्प्रेड नहीं हुई है, तो मैं इसे इस तरह से हिला दूंगी थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचूंगी, डिज़ाइन बनाऊंगी। आप देख सकते हो इस तरह से हमें टूथपिक्स को क्लीन भी करते जाना है। अब यहाँ पर फ्लावर बन चुका है, तो अब उसे मैं अपने नेल्स पर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं इस साइड का पार्ट जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो उसी को मैं अपने नेल्स पर अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अपने नेल्स को पानी के अंदर डाल रही हूँ। 2-3 सेकंड के लिए मैं नेल्स को पानी के अंदर ही रखूँगी ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छे से, और स्टिक की हेल्प से ये जो ऊपर की नेल पॉलिश है इसे मैं इस तरह से हटा दूँगी ताकि वो मेरे नेल पर लगी डिज़ाइन को ख़राब ना कर दे। आप देख सकते हैं वो जो डिज़ाइन है नेल्स पर अप्लाई हो चुकी है। 1-2 मिनट के लिए मैं इसे पूरा ड्राई कर लूँगी, उसके बाद रिमूवर की हेल्प से इस तरह से क्लीन करूँगी। ज़्यादा क्यूटिकल के पास नहीं क्लीन करना, और आप चाहते हो कि इस तरह से नेल पॉलिश फिंगर पे ना लगे तो आप सेलो टेप का यूज़ भी कर सकते हो। तो सेलो टेप का यूज़ आप कब करोगे, जब आप पानी में नेल्स को डाल रहे हो तो उससे पहले आपको फिंगर पे सेलो टेप अप्लाई कर लेनी है, उससे आपकी फिंगर इस तरह से ख़राब नहीं होगी। अब मैंने रिमूवर ले लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं क्यूटिकल में क्लीन करूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से हमें क्लीन करना है। फिंगर पे जो नेल पॉलिश लगी थी तो अब मैंने उसे क्लीन कर लिया है, और अब आप देख सकते हो मेरे नेल पर ये डिज़ाइन। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।